हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए जो फिजिकल एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो ज़रूर इससे क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अब आपके पास ऐसा गोल्डन टाइम आने वाला है कि जो जैसे कि आपका BPSC TRE 4 यहाँ पे ज़रूर आएगा बिहार में। जैसे ही आपका TRE 3 का रिजल्ट कंप्लीट होता है, रिजल्ट आना जैसे शुरू हो गया है, जैसे कि आपका हेडमास्टर और NP प्रधानाचार्य का जो रिजल्ट है वो आ गया है, तो एंड जो UP TGT PGT UP LD ग्रेड और MP का वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम संपन्न होगा, बस थोड़ा देर है। और सभी वैकेंसीज का ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आप फिजिकल एजुकेशन का, तो डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको फ्री में प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं यूथ कंपटीशन से बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को छाट छाट करके ले आ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस प्रक्रिया को जिसमें पसलियाँ और डायफ्राम की पेशियाँ सिकुड़ती हैं और डायफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन अधिक हो जाता है, यानी बढ़ा देता है, वक्ष गुहा का आयतन क्या करता है, बढ़ा देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ेगा, तब वहाँ का जो वायुदाब होगा कम होगा और बाहर जो है वायुमंडल में वायुदाब ज़्यादा होता है, तो गैसें और वायु जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो जब स्थान ज़्यादा होगा, कम दबाव होगा, तो उच्च दाब यानी बाहर से हवा अंदर आने लगती है, इसको हम निःश्वसन यानी कि अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन कहेंगे, यानी श्वास अंदर जाता है, ठीक है। तो अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन यानी कि या इंस्पायरेशन हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनहेलेशन यानी अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन जब हम करते हैं, इंस्पायरेशन जब करते हैं, तो जो हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, पसलियों से जुड़ी होती है इंटरकॉस्टल मसल, याद रखिएगा। तो इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है तो डायफ्राम जो है वो नीचे चला जाता है। डायफ्राम क्या होता है, जिस पर हमारा फेफड़ा सधा रहता है, जिससे वक्ष गुहा का और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़ों का आयतन बढ़ने से फेफड़ों में वायु का जो दबाव होता है वायुमंडल से 1 से 3 mmHg कम हो जाता है, और बाहर की हवा फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है, और वह हवा तब तक फेफड़ों में प्रवेश करती है जब तक कि बाहर व अंदर का वायुदाब बराबर न हो जाए। ये इंस्पायरेशन यानी श्वास अंदर लेने के समय की प्रक्रिया है, इसके जस्ट उल्टा बाहर लेने समय, ठीक। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है फैलती है और डायफ्राम ऊपर उठता है, और जिससे वक्ष गुहा यानी फेफड़ों का आयतन जो है कम हो जाता है, जिससे भीतर का वायुदाब वायुमंडल से 1 से 2 mmHg अधिक हो जाता है। तो वायु का क्या सिद्धांत है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, तो फेफड़ों से जो हवा होती है बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, VO2 max की मापक इकाई क्या है। तो दोस्तों, VO2 max की मापक इकाई होता है आपका मिलीमीटर प्रति किलोग्राम प्रति मिनट, मिलीमीटर प्रति किलोग्राम प्रति मिनट। VO2 max होता क्या है, VO2 max यानी अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम लोड के स्तर को प्राप्त कर लेता है, यानी इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसको आगे की ओर क्रिया करने की साहस नहीं होता, उस दौरान एक मिनट में फेफड़ों द्वारा जितना ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है उसकी मात्रा को हम VO2 max कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यायाम के दौरान प्राणवायु का आयतन कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों, व्यायाम के दौरान 3000 ml होता है, ऐसे आराम की स्थिति में 600 से 700 या 500 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड होता है, लेकिन जब हम श्वास लेते हैं तो ये इतना ही अमाउंट में जाता है, लेकिन
सांस को छोड़ते समय जो नाइट्रोजन होता है पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, कोई उपयोग नहीं होता, और ऑक्सीजन जो है 21% जाता है और छोड़ते समय 16.4% बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है लेकिन निकलता है 4.4%। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द हार्ट इज रिलेटेड टू। तो हृदय की श्वसन क्षमता से आप में ताकत विकसित होता है, लचीलापन से आता है, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से, उपरोक्त सभी से यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि श्वसन जो हम हृदय की श्वसन क्षमता से संबंधित सभी विकल्प सही हैं। श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव जैसे कि होता है कि श्वसन व्यायाम करने से श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारे श्वसन तंत्र की सहनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, देर तक हम कार्य कर पाते हैं, हृदय की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं, रक्तवाहिनियों की लोच यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का गाढ़ापन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राण वायु कौन है। दोस्तों कौन है प्राण वायु सभी जीवों के लिए जीवित रहने की, वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। सामान्य श्वसन द्वारा जितनी वायु हम अपने फेफड़ों में ले जाते हैं उसे हम प्राण वायु कहते हैं, यह 30 घन इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर को जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपने दे दिया होगा, रेडियो टेलीमेट्री। इसके अलावा स्पायरोमीटर का प्रयोग आपको वाइटल कैपेसिटी या फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज के समय हार्ट बीट में जो परिवर्तन होता है उनकी गणना रेडियो टेलीमेट्री नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह कलाई घड़ी के समान यंत्र होता है जिसमें चिप लगी होती है जो कंप्यूटर में हार्ट रेट की गणना बताती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, द टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फेफड़ों की कुल वायु क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वैल्यू। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है 4600 ml, और रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है कि पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बचा हुआ वायु होता है उसके हम रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी आपका होता है, वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वैल्यू प्लस कम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वैल्यू आपका 500 ml होता है, कम्प्लीमेंट्री एयर 3000 और सप्लीमेंट्री एयर 1100। पूरा मिला के 4600 ml होता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है, टोटल लंग कैपेसिटी फेफड़ों की कुल क्षमता का मतलब कि वायु की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वैल्यू, तो वाइटल कैपेसिटी कितना होती है आपका 4600 ml प्लस रेसिडुअल वैल्यू कितना है 1200 ml, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5800 ml, ठीक है, यानी 5.8 liter आपका हो जाएगा, 5.8 liter। तो यहाँ पे राइट आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट होगा क्योंकि बुक में 4.5 से 5 लीटर दिया है, इतना तो होगा नहीं टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि 4600 ml तो आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया, तो उसमें 1200 ml और जोड़ेंगे तो 5.8 liter होगा यानी 5800 ml होगा। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन डाइऑक्साइड या युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है, वेयर इज द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज। तो आपको पता है ये आपको दाएं नीले से जो पल्मोनरी वाल्व जुड़ी रहती है, तो पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है फेफड़ों के द्वारा, एल्वोलाइज में चला जाता है, एल्वोलाइज से जो ऑक्सीजन होता है
जो रक्त में आरबीसी होता है उसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वेलाइज में होता है। जब एक रक्त फेफड़ों से होकर गुजरता है तब रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन वायु से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा रक्त लाल हो जाता है, अर्थात CO2 युक्त रक्त फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? विच एथलीट हैज द हाइएस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? तो किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होगा दोस्तों? तो धावक, तैराक, जिमनास्ट सभी में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगा? कार्डियोवैस्कुलर, जितनी ज़्यादा समय की क्रिया होगी, जितना ज़्यादा एंडोरेंस होगा, उतनी ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे मैराथन धावक आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैराथन धावक, क्योंकि मैराथन धावक का जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है, हृदय, रक्त कोशिका एवं फेफड़ों में ऑक्सीजन के प्रवाह की योग्यता को हम क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कहते हैं। शरीर जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने और प्रयोग करने के योग्य होगा उतना ही अधिक कार्य करने में समर्थ होगा। हृदय और धमनियों की क्षमता का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हृदय रक्त प्रवाह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने में क्या हो? सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सबको पता है दोस्तों 72 बार धड़कता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72 से 75 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ द एस्पिरेटरी प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग? तो आप सबको पता है कंठ, जो जहाँ पे लैरिक्स होती है उसी को कंठ कहते हैं। लैरिक्स जो है बोलने में श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाता है, जिसे स्वरयंत्र यानी कि लैरिक्स कहते हैं। यह कंठ द्वारा यानी ग्लोटिस द्वारा ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी इसे कसरी दंड के अग्रपृष्ठ से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्धांत और व्यवहार में चेष्ट का सही मापन कब लेना चाहिए? दोस्तों जब सामान्य श्वसन के अंत में, श्वसन जब भरा हुआ है तब नहीं, सामान्य श्वसन के अंत में हम चेष्ट का सही मापन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका ट्रेकिया से एक श्वास नली होता है जिसे हम इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। यही जाकर के आपका दाएं फेफड़े में 3 भाग और बाएं फेफड़े में 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और यही बाद में बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, श्वसनिया में आगे चलकर ये गुच्छे नुमा आकृति में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वेलाइज कहते हैं। इसी एल्वेलाइज में CO2 और O2 का ट्रांसफर होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे एक ट्रेकिया की लंबाई कम से कम 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, तो सांस छोड़ने में वायु की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो आपको पता है छोड़ते समय 16%, यानी कुल 4 से 5% ही यूज होता है और पूरा वापस आ जाता है। तो छोड़ते समय जो है 16% और जाते समय 21%, और नाइट्रोजन जो है जाते समय 78%, आते समय भी 78% पूरा का पूरा वापस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाते समय 0.03% एंड श्वास छोड़ते समय 4.4% आपका बाहर निकलता है, कम जाता है ज़्यादा निकलता है, क्योंकि शरीर में जो भी टॉक्सिक जमा होता है सब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? हाउ मेनी टाइम्स डज ए हेल्दी एडल्ट ब्रीथ इन 1 मिनट? तो दोस्तों 16 से 20 बार सांस लेता है। सांस लेने की बात करें 1 मिनट में 16 से 20 बार, और जब हृदय की धड़कन की बात करेगा तो 72 बार या 60 से 80 बार। तो 16 से 20 बार सांस लेता है एक सामान्य व्यक्ति, आराम की स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति। और जबकि जब आप
कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका अभ्यास के दौरान जो श्वास गति होता है 50 से 60 प्रति मिनट होता है। लेकिन जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाते हैं तो आपके जो श्वास दर होती है 8 से 10 बार हो जाती है। जैसे कि आप जब आराम की स्थिति में 72 बार प्रति मिनट आपका हृदय की धड़कन धड़कता है, लेकिन जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो 180 प्रति मिनट की दर से धड़कने लगता है। और जब आप एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होते हैं तो आराम की स्थिति में 40 से 50 प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। तो हाइपोक्सिया है दोस्तों, यहाँ पे हाइपर एक्सिया यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए गलत टाइपिंग हो गया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हाइपोक्सिया है। वो सबसे कम ऑक्सीजन टीशू यानी कि उत्तकों में पहुंचता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वास प्रणाली दो श्वसनी में विभाजित होती है, दाहिनी श्वसनी फिर विभाजित होती है। द ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रांची, द राइट ब्रांचेस देन डिवाइड्स इंटू। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये आपका ट्रेकिया है, सॉरी दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया जो है यानी कि श्वास नली की बात कर रही है, तो आगे विभाजित होती है दाहिनी तरफ एक कितनी होती है, तीन भागों में विभाजित हो जाती है, और बाएं तरफ दो, ठीक है, ये आपका फेफड़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, दाहिनी तरफ कितनी भागों में विभाजित हो जाती है, तीन श्वसनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 ब्रांची में। अब फिर थी यही ब्रांची जो है बहुत सारे ब्रांचियोल इस छोटे छोटे धागों में परिवर्तित हो जाती है, धागों के समान बढ़ती जाती है और लास्ट में एक गुच्छरुमा आकृति बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाइज कहते हैं। इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों श्वसन केंद्र हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है, वो वहाँ पे आपका श्वसन केंद्र स्थित होता है, वहाँ पे आपका श्वसन केंद्र स्थित होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा अथवा ब्रेन स्टेम के माध्यम से सभी संवेदी तथा गतिज नाड़ियाँ गुजरती हैं। मेडुला जो है ऐसे केंद्र होते हैं यहाँ पे जो हृदय तथा फेफड़ों को नियंत्रित करते हैं। मेडुला के जख्मी हो जाने पर यहाँ पे ज़्यादा चोट अगर लग जाएगी आपको तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए सिर के जो पीछे वाले भाग होता है वहाँ पे चोट से बचना चाहिए। हृदय तथा फेफड़ों की धड़कन श्वसन बंद हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पीछे चोट लगने पर। यानी कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो होता है उन जैविक क्रियाओं यानी वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है, जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि पाचन तंत्र, जो आंत की क्रमाकुंचन गति होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एल्विओली प्रस्ताड़ कम कर देर होने से बचने में कौन सा द्रव्य शामिल होता है। तो वो होता है आपका सरफॉक्टेंट। और वायु कोश जो है का निर्माण जो है वो एपिथेलियम कोशिकाओं यानी कि एपिथेलियम टीशू उपकला ऊतक से होता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली बेसिस में आपको हाई लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन ला रही हूँ, और डेली बेसिस आप डीपली अध्ययन करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।